वेलकम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप शर्ट बुक में अगर कोई शर्ट परचेस करते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करता, तो उसका सलूशन मैं आज का आपको बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शर्ट नंबर 166 मैंने परचेस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर परचेस करते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करता। जब गेम प्ले में आप खेलते हैं तो वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपके पास शॉर्ट मैप का जो ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा। शॉट आप हर कैटेगरी के बैट्समैन के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले डिफेंसिव को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक फुट पर 166 आ गया है शॉट। और यहाँ पर रेडिकल पर मैं जाऊँगा। फिर आपने यहाँ पर जो शॉट टाइप है वहाँ पर लॉफ्ट सिलेक्ट करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर पुश सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर लॉफ्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक फुट पर 166 शॉट मौजूद है। आपने यहाँ पर तमाम बैट्समैन के इसी तरह सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। और आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह आप शॉट खेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टीव स्मिथ बैलेंस बैट्समैन है और यहाँ पर इन्होंने 166 वाला शॉट लगाया। यहाँ पर आप भी इसी तरह शॉट, अगर कोई और शॉट भी परचेस करते हैं तो आपको शॉट मैप में जाकर वो शॉट सिलेक्ट करना पड़ता है। और जो शॉट आप परचेस करते हैं वो तमाम बैट्समैन के लिए होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।